मुंबई इंडियंस विमेन बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग में एलिमिनेटर का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने यूपी को 72 रनों से धोते हुए फाइनल में जगह बना ली है और अब मुंबई का सामना फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स विमेन्स के साथ होने वाला है। इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद यूपी की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन मुंबई की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यूपी की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। इस मुकाबले में मुंबई के लिए साइवर ब्रंट ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 2 छक्के लगा दिए। हालांकि अमेलिया कर ने भी 19 गेंदों पे 29 रनों की पारी खेलते हुए टीम को 180 रनों के पार ले जाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन जब 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने यूपी की टीम मैदान में उतरी तो वो पूरी तरह से संघर्ष करती नजर आई। यूपी की टीम शुरुआत से लेकर अंत तक इस मुकाबले में हारी हुई नजर आई। आपको बता दें कि यूपी की टीम 110 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस दौरान टीम एक भी बड़ी साझेदारी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यूपी को वापसी का मौका मिल ही नहीं पाया। यूपी के लिए किरण नवगिरे ने सबसे ज्यादा 27 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रनों से ज्यादा की पारी नहीं खेल पाया। यूपी की बल्लेबाजी की बात करें तो ये टीम अंत में लगातार ताश के पत्तों की तरह अपने विकेट गंवाती गई और इस टीम को अंत में 72 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो इसी वांग ने 4 ओवर में 15 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए और अपनी टीम को फाइनल का टिकट थमा दिया। मुंबई ने एक बार फिर से विमेन प्रीमियर लीग में विपक्षी टीम को ऑल आउट करते हुए मुकाबला जीत लिया। इससे पहले मुंबई की टीम को 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें विपक्षी टीम को मुंबई इंडियंस ऑल आउट नहीं कर पाई थी। यूपी की टीम वही टीम है जिसने मुंबई को इस सीजन पहली हार का सामना कराया, लेकिन एलिमिनेटर जैसे बड़े मुकाबले में मुंबई ने यूपी को वापसी का मौका ही नहीं दिया और अब उनका सामना दिल्ली से फाइनल में होगा। फाइनल मुकाबला 26 मार्च को खेला जाना है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इनॉग्रल सीजन यानी कि WPL के पहले सीजन का विजेता कौन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।